प्यारे बच्चों, देखिए जेनेटिक्स में हम लोग आज लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लिंकेज को देखें, इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। लिंकेज हिंदी में इसको सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता, ठीक है, लिंकेज या सहलग्नता, यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देखें। लिंकेज को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि सटन एवं बोवेरी ये हैं, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसी तरह से टी एच मॉर्गन ने एक थ्योरी दिया जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और यहीं पर कुछ चीज़ें जैसे जीन है, जीन शब्द का प्रयोग किया गया जोहानसन, जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, और टी एच मॉर्गन का एक सिद्धांत और है यहाँ पर जो कि बहुत फेमस है, टी एच मॉर्गन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। देखिए जहाँ पर लिंकेज शब्द लग जाएगा तो आप वहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि टी एच मॉर्गन वहाँ पर हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लगा हुआ है और यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज लगा हुआ है, और जीन थ्योरी की वंशागति ये मॉर्गन का है, ये ध्यान में रखिएगा, और जीन शब्द का जब प्रयोग पूछा जाएगा जोहानसन का है, ठीक है। अब चूंकि ये सब चीज़ें यहाँ पर लिंकेज से रिलेटेड हैं इसलिए हमें बताना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, जैसे अब हम लिंकेज की बात करते हैं, लिंकेज है क्या, देखिए लिंकेज यहाँ पर ये डिस्कवरी जो की गई थी टी एच मॉर्गन इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई इसको कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में ये लिंकेज की बात की गई है, लिंकेज से संबंधित जो डिस्कवरी की गई है मॉर्गन ने किया, किस में किया, ड्रोसोफिला में किया। अब ये देखिए है क्या लिंकेज, यहाँ पर एक क्रोमोसोम पर, ये देखिए किसी क्रोमोसोम पर, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको करेक्टर्स दिखेंगे, ये जीन्स जो पाए जाते हैं वो जीन्स जो एक दूसरे के बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम पर, ध्यान से समझिएगा,
सिंगल क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स जब बहुत क्लोज रिलेशन में होंगे, क्लोज एसोसिएशन में होंगे, तब उनको हम लिंकेज जीन कहेंगे। यह प्रोसेस लिंकेज कहलाएगी, ठीक है। तो लिंकेज में क्या हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जीन्स हैं, जीन है ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम एंड क्लोज एसोसिएशन, बहुत क्लोज यहाँ पर जो सिंगल क्रोमोसोम पर जीन्स हैं ये एक दूसरे के बहुत समीप हैं, ठीक है। एक बात हम ये कह दिए क्लोज एसोसिएशन, दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जीन्स पाए जाएंगे ये लीनियर मैनर में होंगे, लीनियर मैनर, लीनियर मैनर में ये जीन्स पाए जाएंगे। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, लिंकेज क्या है, किसी क्रोमोसोम पर, सिंगल क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के इतने समीप होते हैं, उनका इतना क्लोज एसोसिएशन होता है कि उनमें रिकॉम्बिनेशन जैसी घटना नहीं पाई जाती है, इसी को सहलग्नता कहते हैं। और वो क्या करते हैं, जिस रूप में हैं उस क्रोमोसोम पर उसी रूप में दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ये बात कहेंगे कि यहाँ पर ये जिस रूप में यहाँ पे पाए जा रहे हैं उसी रूप में वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लिंकेज, जीन्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज, ठीक है। बिना क्रॉसिंग ओवर के उसी रूप में ये, आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि लिंकेज जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी अवस्था में उसी रूप में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात इनके बीच रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना नहीं घटती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है लिंकेज। ये बात आपको समझ में आ गई है। और अगर हम यहाँ पर ये देखें एक सेंटेंस, हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज, ये देख लें ये कितने प्रकार का होता है। तो आप ये कहेंगे कि दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण संलग्नता, इसको हम कहेंगे पूर्ण संलग्नता और इसको कहेंगे अपूर्ण संलग्नता, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट लिंकेज में यहाँ पर नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्रिया नहीं होगी, नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर पाया जा सकता है, क्रॉसिंग ओवर या हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है या अकर्स,
रिकॉम्बिनेशन क्रिया यहाँ पर पाई जाएगी, पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि आखिर ये क्या है। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक जीन, ये क्रोमोसोम बनाया और दूसरा क्रोमोसोम हमने यहाँ पर ये दिखाया, और इस क्रोमोसोम पर ये देखिए जो ये जीन है, इस जीन के साथ दूसरा जीन जो है वो बहुत क्लोज रिलेशन में है, है ना। और यहाँ पर ये जीन है और यहाँ दूसरा जीन जो है ये इतने डिस्टेंस में है। तो जहाँ पर जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्रिया हो जाएगी। जब डिस्टेंस जीन के बीच कम होगी, जीन के बीच दूरी कम होगी, तो गुणसूत्र के बीच, क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं घटेगी। इसलिए इसको हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे, अर्थात जिस रूप में यह जीन पेरेंट्स में है उसी रूप में संतानों में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना घट सकती है, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं घटेगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट, और ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ये देखिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अर्थात लिंकेज अगर हमसे ये कह दे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको तो आप बात समझ गए हैं कि डिस्टेंस पर निर्भर करता है रिकॉम्बिनेशन, जीन के डिस्टेंस पर। तो अगर हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज, लिंकेज की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन के, है ना। अगर जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और डिस्टेंस जीन के बीच अगर कम है तो लिंकेज जैसी घटना वहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी, ज़्यादा क्लोज होंगे। इसलिए यहाँ पर आप ये देखेंगे, ध्यान में रखिएगा कि लिंकेज की जो फ्रीक्वेंसी है, लिंकेज की जो घटना है वो किस पर निर्भर कर रही है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, जीन के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पर इसी तरह से थोड़ा सा ये बात कर दें, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी देख लें या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी देख लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या हम कह दें क्रॉसिंग ओवर, तो आप क्या इसमें कहेंगे कि ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट कर लीजिए, रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग्स। ये अर्थात किसी जनरेशन में हम ये देखते हैं कि जिनमें क्रॉसिंग ओवर की घटना घटी हुई है, जो ऑफ स्प्रिंग में वो रिकॉम्बिनेंट जीन पाया जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन जैसी घटना हो रही है, उसका टोटल ऑफ स्प्रिंग से हम डिवाइड कर दें तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की बात मालूम हो जाएगी। और यदि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज हमको निकालना हो तो हम इसी में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर परसेंटेज। अगर हम कहें परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, तो ये चीज़ हो जाएगा, इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, इन सब भी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये बताएं, जैसे लिंकेज की बात तो आप समझ गए, लेकिन क्रॉसिंग ओवर अगर आपके दिमाग में बात नहीं स्टे कर रही है तो उसको आप देखिए कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ओवर, क्रॉसिंग ओवर में देखिए, जैसे एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, और इसमें आपको पता है कि सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम में। अब इस क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर दें, ये देखें, ये हमने, ये सेंट्रोमियर है, ये हमने क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और दूसरा ये क्रोमोसोम यहाँ पे है, ये हो गया एक क्रोमोसोम ये वाला, ये क्रोमोसोम ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इसका जीन, यहाँ पे देखिए, ये सपोज करिए कि ये जीन है और इसका यहाँ पे ये जीन है, ठीक है, और फिर यहाँ पे और ये जीन की पोजीशन दिखाई गई है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, आप जरा देखें, सेंट्रोमियर, फिर ये और यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम, ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो ये आप क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये कंडीशन आ जाएगी, ये तो अब यहाँ पे हम अब ये देखते हैं, जब इसको हम अलग करें, सपोज करिए कि यहाँ पर ए और बी, ये होमोलागस क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, मैं ए और बी से यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, एक होमोलागस क्रोमोसोम की बात की जा रही है, मतलब पेयर क्रोमोसोम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हमने इसको अलग कर दिया, ये और ये, फिर इसको हमने अलग कर दिया, ये और ये, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद अब ये जब अलग हो गए, तो यहाँ पर देखिए, हमने ये जो जीन लिया था, यहाँ पर ये जीन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, और इसका जो जीन यहाँ पर था वो जीन यहाँ पे चला गया और यहाँ पे चला गया। यही घटना क्रॉसिंग ओवर कहला रही है। और इसमें यहाँ पर जीन ये था, ये जीन था, और यहाँ पर ये जीन, यहाँ पर ये जो था वो उसी पोजीशन में है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में हो क्या रहा है, इस बात को ज़रा समझिए आप। क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पर दो होमोलागस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, आप ये कह सकिए होमोलागस क्रोमोसोम। ये जो होमोलागस क्रोमोसोम है, होमोलागस क्रोमोसोम का मतलब कि जैसे क्रोमोसोम नंबर एक है, गुणसूत्र संख्या एक है, एक ही गुणसूत्र में
एक जो गुणसूत्र है वो होमोलागस क्रोमोसोम होंगे। एक मतलब उस सेल में जो एक क्रोमोसोम है वो पिता का होगा, दूसरा माँ का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये होमोलागस क्रोमोसोम है। इस होमोलागस क्रोमोसोम के में यहाँ पर जीन उपस्थित हैं, यहाँ पर जीन उपस्थित होंगे, ठीक। और जब ये क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स में, इस तरह से यहाँ पे क्रोमैटिड्स दिखाया गया, ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, यहाँ पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हैं। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ये होमोलागस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो इसका क्रोमैटिड इसके क्रॉस कर गया, इसका क्रोमैटिड इससे क्रॉस कर गया, तो इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, जीन, जो जीन होते हैं उस जीन का एक्सचेंज होता है, अदला बदली हो जाती है, ठीक है। इसी घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ये वाला जीन था, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और इसका ये वाला जो जीन था वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पर जीन की अदला बदली हो गई, यहाँ का जीन यहाँ और यहाँ का जीन यहाँ पे आ गया, इसी घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो जो जीन यहाँ पर था, जो जीन यहाँ था यहाँ पे आ गया, अब ये लक्षण दूसरा हो जाएगा ना, और इसमें जो ये रेड वाला लक्षण था अब ये यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इस तरह से अब क्या होगा कि संतानों में वो लक्षण परिवर्तित हो जाएगा, वह लक्षण परिवर्तित हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग। मतलब रिकॉम्बिनेंट संताने, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट संताने यहाँ पर बन जाएगी। तो आपने देख लिया कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर यही चीज़ मैंने कहा कि जब ये जीन, कुछ जीन ऐसे होते हैं या जो जीन एक दूसरे के इतने पास होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान उनकी अदला बदली नहीं हो पाती, उन्हीं को हम लिंकेज कहेंगे। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो लिंकेज की घटना और क्रॉसिंग ओवर की घटना क्या होती है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को देखा। आगे हम एक और देख लेते हैं, एक सेंटेंस हो सकता है आपको देखने को मिले, लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप। मार्गन ने दिया था लिंकेज ग्रुप, ये है क्या लिंकेज ग्रुप? देखिए किसी एक सेल में दो क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये 2n में लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, 2n डिप्लॉयड सेट, और इसमें से एक जब अलग अलग हो जाए, एक यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ, ये अलग हो गया, तो ये n हो गया, ये n हो गया, तो इसको हम कहेंगे हैप्लॉयड सेट। क्या कहेंगे, हैप्लॉयड, ये कहलाएगा हैप्लॉयड सेट कहलाएगा, ये हैप्लॉयड सेट कहलाएगा। तो लिंकेज ग्रुप में हम क्या कहेंगे, देखिए कि जो हैप्लॉयड सेट का क्रोमोसोम होता है ना, उस हैप्लॉयड सेट पर उपस्थित कुल जीन्स, ये देखिए नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दी हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज जीन। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हैप्लॉयड सेट पर, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पर उपस्थित कुल लिंकेज जीन की संख्या क्या कहलाएगी, लिंकेज ग्रुप कहलाएगी, ये देखिए लिंकेज ग्रुप कहलाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, सपोज करिए कि हम ये बात करें, आपसे ये कह दिया जाए फॉर एग्जांपल मटर में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाएंगे, है ना,
तो हम ये देखते हैं कि जो मटर होता है या पी होता है इसमें 2n बराबर 14 होता है, ये तो n बराबर कितना हो जाएगा 7, तो n बराबर 7 तो हैप्लॉयड सेट आप क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 7, और इस पर जितने भी लिंकेज जीन होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे लिंकेज ग्रुप कहेंगे, अर्थात लिंकेज जो ग्रुप होगा वो कितना हो जाएगा 7 होगा। इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि ड्रोसोफिला की बात करें कि कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2n बराबर 20, तो n बराबर कितना 10, अर्थात लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी तरह से हम मनुष्यों की भी बात करते हैं, मैन में हम ये देखते हैं, मैन के केस में तो यहाँ पे देखते हैं 2n बराबर कितना होता है 46 और n बराबर कितना हो जाता है 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ह्यूमन की बात कह रहा है, अगर ह्यूमन मेल की बात करें, मेल की बात करेगा तो यहाँ पर 24 होता है, क्योंकि वहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, इसकी काउंटिंग अलग से की जाती है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य में पुरुष में 24 लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो लिंकेज ग्रुप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक सेंटेंस हो सकता है आपको आपके सामने आए, लिंकेज मैपिंग ये देखिए, लिंकेज मैपिंग क्या है, जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर यहां पर देखिए एक जीन ए है और यहाँ पर एक जीन बी है, तो दो जीन के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं लिंकेज मैपिंग। ये देखिए, ये है ना, दो जीन के बीच के डिस्टेंस को हम लिंकेज मैपिंग कहते हैं, और इस लिंकेज मैपिंग की जो यूनिट होती है, यूनिट सेंटीमार्गन होती है, सेंटीमार्गन। ये तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है और कभी भी ये आपके काम आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात एकदम क्लियर हो गई होगी, अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन यहां पर देखिए, कोई भी स्पीसीज होगा, सभी स्पीसीज में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 46, है ना, 2n बराबर 46 होती है। और आप ये देखिए, जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में यहाँ पर 2n बराबर 46 होती है। ये जब भी हम लिखते हैं वो डिप्लॉयड में ही लिखा जाता है, क्योंकि डिप्लॉयड नंबर में 26 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो 26 क्रोमोसोम होते हैं ये क्रोमोसोम टू टाइप्स होते हैं। ये देखें, किसी में भी दो तरह के होंगे, एक होगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ये होते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम मनुष्य की बात करें या किसी भी स्पीसीज की बात हम बात कर रहे हैं, केवल हम समझने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, मनुष्य का एग्जांपल ले रहे हैं, ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो किसी भी स्पीसीज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम दो प्रकार के होंगे, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होगा, मनुष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
टू यन में अगर हम देखेंगे तो 44 आएगा, और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 2N बराबर 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 2 आएगा। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 44 और यहाँ पर 2 आएगा। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, अब इसी में हम डिवाइड कर दें, मैन या मेल को कर दें और यहाँ पर फीमेल कर दें। मेल में क्या होगा? एक्स वाई होगा, ये दो क्रोमोसोम, और फीमेल में यही दो क्रोमोसोम किस रूप में हो जाएंगे? एक्स और एक्स के रूप में हो जाएंगे। और ये 44 तो यहाँ पे पाए जाएंगे, तो 44 और 2 ये हो गया 46 हो गया, 44 और 2 ये हो गया 46 हो गया। तो इस तरह से आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी स्पीसीज में दो तरह के गुणसूत्र पाए जाएंगे, ऑटोसोमल गुणसूत्र और सेक्स या लिंग गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं। ज़्यादातर बात ये होती है कि लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब लिंग का निर्धारण, कैसे नर बनेगा, कैसे मादा बनेंगे, ये निर्धारित कैसे होता है। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि इस तरह का जो निर्धारण होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन आप ये समझिए कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही लिंग निर्धारण में सामान्यतः भाग लेते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ड्रोसोफिला की बात अलग है, वहाँ पर अलग चीज़ हो जाती है, थोड़ा ऑटोसोमल क्रोमोसोम से भी इन्वॉल्व होता है, तो हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जानिएगा कि लिंग निर्धारण में लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम जैसे कुछ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर लें, सेक्स क्रोमोसोम्स ये देखें, जैसे यहाँ पर नंबर 1 एक्स, एक्स हम फीमेल कर दें, ये मनुष्य में पाया ही जाता है, एंड एक्स वाई मेल कर दें, ये मनुष्य में पाया जाता है हम जानते हैं। तो इस तरह का क्रोमोसोम आपसे पूछा जाता है किस में पाया जाता है, तो आप एग्जांपल में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। फिर इसी तरह से हम ये देखें, अगर हम यक्स ये देखिए वाई कर दें, ठीक, या हम इसको जेड डब्लू से रिप्रेजेंट करें, ये क्या हो गया, फीमेल बदल गया, और यहाँ पर यक्स यक्स कर दें या जेड जेड कर दें, एक जैसा क्रोमोसोम, इसको हम मेल में दिखाएं। तो इस तरह के क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, एग्जांपल में आप लिख लेंगे कि ये मछलियों से लेकर के बर्ड्स तक पाए जाते हैं। कहाँ तक? मछलियों से लेकर के बर्ड्स तक पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसी तरह से यक्स यक्स फीमेल हम देख लें, एंड यक्स जीरो मेल देख लें, मतलब कि ऐसे भी जंतु हैं जिनमें मेल में केवल एक ही गुणसूत्र है, दूसरा गुणसूत्र गायब है। तो ऐसी घटनाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं, ज़्यादातर कीटों में ये घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ ये एग्जांपल हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा, ये लिंग निर्धारण में इस तरह से ये आपसे इसे पूछ देगा कि इस तरह का क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, और उदाहरण आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे ये बात करेंगे, हम लोगों के सिलेबस में जो है वो है कि मनुष्यों में कैसे लिंग का निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग कैसे निर्धारित होता है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना करके रखिए, ये बातें एक बार आप रिपीट कर लीजिए, फिर इसके बाद मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।